आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए अंदाज में पोहा। एक थोड़े से लिया मैंने मटर, एक बड़ी शिमला मिर्च, एक छोटी गाजर, एक हरी मिर्च, एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर और एक मैंने लिया नींबू का रस। तो और एक मैंने बड़ा बाउल लिया है पोहा। इसको मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था और अब मैंने इसको पानी में से निकाल लिया। मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया। अब मैंने कढ़ाई लिया, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और 1.5 चम्मच मैंने सरसों डाली है। इसको हम तड़कने देंगे। तड़कने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे, 8-10 कड़ी पत्ते। तो गाइस एक बार आप ये पोहा बनाकर देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसमें मैं थोड़े से 8-10 पत्ते डाल दिए मैंने कड़ी पत्ता और थोड़े से मटर। इसको हम थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ा प्याज, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट से हम फ्राई करेंगे ताकि हमारे मटर भी थोड़े से गल जाएंगे और प्याज हमारे थोड़े से सोटे हो जाएंगे। इसमें मैंने अब डाल दिए ग्रीन चिली। अब ये हम मैं सारी वेजिटेबल अब इसमें डाल देती हूँ। इसको अब हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। 2-3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल देना जितना आप खाते हो। और 1 छोटा सा चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर और ये मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट इसे और फ्राई करेंगे। तो मेरा ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना पोहा। दो मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमारा पोहा हो गया रेडी। तो मैंने ये सर्व कर दिया है। कैसा लगा मेरा पोहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम।